वॉइस ऑफ एमपी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर आ रही है। जो खबर हमारे पास आ रही है उस पर एक बार फिर मोहर लगा है। प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने जिस तरीके से तारीख डिसाइड की थी वो तारीख आज की थी, ऐसे में अब तारीख को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं कि व्यवस्थापन बोर्ड में जिस तरीके नगर पालिका ने जिस तरह का तारीख को लेकर जो फैसला किया था कि अगर आप 31 तारीख तक अगर आप नहीं आते हैं तो आपका बंगला अधिग्रहण कर लिया जाएगा, इस तरह की बात निकल के सामने आई थी। उसके बाद लगातार वाईएसएमपी की टीम इस खबर को उठाता रहा था, इस मुद्दे को उठाता रहा था। बंगला बगीचे वासियों की जो पीड़ा थी उसे प्रशासन तक पहुंचा रहा था, सरकार के स्थानीय नेताओं तक पहुंचा रहे थे ताकि पता चले कि किस तरीके से सरकार ने जो मसौदा तैयार किया था, जो कानून बनाया था, उस कानून से कितना बंगला बगीचा वासी खुश थे और किस तरीके से वे इस बंगला बगीचा वासी अपना विरोध भी दर्ज करा रहे थे। वहीं अगर बात किया तो जो अपडेट हमारे पास आ रही जिस तरीके से इस मामले को दूसरी तरफ और बात किया है तो एडवोकेट अमित शर्मा ने भी इस मामले को तेजी से उठाया था। उन्होंने एक अभियान चलाया, तमाम बंगलों में जाकर बैनर पोस्टर लगाए और सरकार को, स्थानीय प्रशासन को चेताया कि अगर आप अभी नहीं जागे, आपने अभी हमारी बात नहीं सुनी तो हम अगले जो निकाय चुनाव है उसमें वोट नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार अमित शर्मा के द्वारा बंगला बगीचा वासियों ने किया था। जिस तरीके का आंदोलन था आज शाम को एक बड़ा आंदोलन अमित शर्मा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले स्थानीय प्रशासन ने एक महीना और जो है तारीख बढ़ा दी, एक महीने की तारीख बढ़ा दी। तीसरी खबर हमारे पास आ रही है कि अब 30 जून तक जो है प्रशासन ने आवेदन को लेकर तारीख बढ़ाई है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आज बड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं कि अमित शर्मा ने एक आंदोलन की चेतावनी दी थी और हजारों बंगला बगीचा वासी आज 4-0 पे एकत्रित होने वाले थे शाम को 6 बजे, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने एक तारीख बढ़ा दी और प्रशासन पीछे बेफुट होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रशासन लगातार जो सरकार ने मसौदा तैयार किया था और जो व्यवस्थापन बोर्ड है उसमें 2000 फाइलें ही जो है 2000 आवेदन ही पहुंचे थे और तकरीबन बंगला बगीचा वासी में हजारों लोग यहां पर निवास रहते हैं, लेकिन सरकार का जो कानून था, जो मसौदा सरकार का था, उससे वे खुश नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई थी हिबानामा की बात की जाए या हिंदुवादी बंटवारे की बात की जाए तो इनको जो मान्य नहीं माना जा रहा था तो वो सिर्फ रजिस्ट्री को माना जा रहा था। ऐसे में बंगला बगीचा वासियों की एक पीड़ा थी कि इनको भी माना जाए ताकि हमें जो है न्याय मिले। दूसरी तरफ बात किया जो प्रीमियम की जो बात आ रही थी उसे लेकर बंगला बगीचा वासियों का दर्द था कि उसे कम किया जाए। अब इस पर देखते हैं कि जो तारीख बढ़ाई गई है इस तारीख के बाद क्या और बंगला बगीचा वासियों की जो पीड़ा है, दर्द है, जिन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं उसे लेकर क्या प्रशासन आगे कोई बड़ा फैसला लेता है या फिर इस तारीख तक की जो है टटा देता है। ये तब तक अपडेट, इस तरह अपडेट के लिए हमारे साथ जय हिंद जय भारत।